तो हेलो फ्रेंड, मैं कैलाश राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिचार्जेबल इन्वर्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक दफ्ती ली है। आप चाहे तो कोई बॉक्स ले सकते हैं। तो उसके बाद मैंने एक इन्वर्टर प्लेट ली है। इस इन्वर्टर प्लेट 100 वाट की है। ये चार्जर की प्लेट ली है मैंने 3। इसमें जो पॉइंट देख रहे हैं ये 2 AC वोल्ट के हैं और ये DC 5 वोल्ट के लिए हैं। तो सेम हमारे तीनों में इसी तरह है। और ये हम 3 लिथियम आयन बैटरी लेंगे। तो चलिए इनको साइड में रखते हैं, अपना आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 4 वायर निकली हैं, जो 2 वायर इधर की हैं ये हमारी बैटरी की हैं ये वाली। चलिए इसको स्क्रू से कस लेते हैं दफ्ती के साथ। तो चलिए इसके AC वायर सोल्डरिंग कर लेते हैं तीनों किटों को। तो हमने इनको पैरेलल में सोल्डरिंग कर लिया है AC वायर को। और यहाँ पे मैंने DC के प्लस पॉइंट पर मैंने एक डाइवोड कनेक्ट किया है तीनों में DC प्लस वायर पे। अब यहाँ पे उनका टुकड़ा थोड़ा माइनस वायर पे भी सोल्डिंग कर लेते ताकि हम वायर सोल्डिंग कर सके बाहर से। तो चलिए अब इन प्लेटों को यहाँ पे ग्लू गन की सहायता से इनको चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने तीनों को ग्लू से चिपका लिया है। उसके बाद हम लेंगे लिथियम आयन बैटरी, इनको भी हम ग्लू गन से चिपकाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने तीनों बैटरियों को चिपका लिया है। अब उसके बाद इनको सीरीज में सोल्डरिंग करते हैं। चलिए इस बैटरी का माइनस पॉइंट और उस बैटरी का प्लस पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो इधर का हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, उधर हम करेंगे ऊपर साइड। तो इस साइड का प्लस है और ये जो ऊपर बैटरी है इस साइड का माइनस पॉइंट पर सोल्डरिंग करेंगे। तो चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे सीरीज के कनेक्शन हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे इस डाइवोल्ट वाला सिरा और उस किट का माइनस पॉइंट एक साथ सोल्डरिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस उसमें भी है।
तो वहाँ पे इन कनेक्ट करने के लिए हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, बीच में सोल्डरिंग कर देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो चलिए यहाँ पे इसमें एक वायर सोल्डरिंग करके इन किट के बीच में सोल्डरिंग कर देते हैं, जो हमारा उधर का माइनस पॉइंट और इधर का डाइबोर्ड के साथ प्लस पॉइंट इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। तो एक वायर और लेंगे, उसमें से भी सोल्डरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे उसमें हमने सोल्डरिंग किया था, उसी तरह इसमें भी सोल्डरिंग करेंगे डाइबोर्ड और एंड उधर माइनस पॉइंट के बीचों बीच में सोल्डरिंग करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया है। अब कनेक्शन देख लीजिए। अब यहाँ से माइनस पॉइंट सोल्डरिंग करेंगे और इस वाले किट पे माइनस पे सोल्डरिंग कर देंगे। फिर हमने इस बैटरी के प्लस पॉइंट पे सोल्डर करके इस पहले नंबर वाली किट के डाइवोर्ट यानी कि प्लस पॉइंट से हमने सोल्डरिंग किया है। तो हमारा चार्जिंग का सिस्टम पूरा हुआ, चार्जिंग के कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें इन्वर्टर प्लेट को करंट देंगे। तो चलिए हम इन्वर्टर प्लेट की माइनस पॉइंट को सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच के थ्रू माइनस को प्लस पॉइंट को सोल्डरिंग करेंगे। चलिए एक बटन के थ्रू बैटरी से प्लस एंड प्लेट का प्लस पॉइंट सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि हम बटन को ऑन करें तो हमारा इन्वर्टर प्लेट ऑन हो जाए। तो चलिए इसको हम चिपका लेते हैं, ग्लू गन से चिपकाए हैं। तो हमारे ये इन्वर्टर प्लेट का कनेक्शन पूरा हो चुका है। चलिए अब इसमें एसी वोल्टेज देने के लिए ये प्लग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एसी वायर लगाए थे पैरेलल में तीनों किट के, तो यहीं पे एक पैरेलल में इस डोरी को भी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो अब इसको टोकने के लिए हम ग्लू गन का प्रयोग करेंगे। तो हमने इसको ग्लू गन से अच्छे से चिपका लिया है। अब इसके बाद हमारा काम है, यहाँ पे हम दो कैपेसिटर लगाएंगे ताकि हमारा वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाए। तो इसको भी हम ग्लू गन की सहायता से चिपकाएंगे। तो चलिए इन्वर्टर प्लेट के हम दो वायर जिसमें हमारा एसी वोल्ट निकलेगा, इसको कैपेसिटर के दोनों वायरों पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। इसके बाद हम दो वायर लेंगे अलग से, उसको भी यहाँ पे सोल्डरिंग करके हम यहाँ पे एक बोर्ड कनेक्ट करेंगे। तो हमने दो वायर ले लिए हैं, इनको हम कंडेंसर के दोनों वायर पे सोल्डरिंग कर लेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। तो अब चलिए, ये हमारा बोर्ड का बैक पैनल है, यहाँ पे दोनों वायर को अंदर डालते हैं और इस बैक पैनल को इस डप्ती में स्क्रू की सहायता से इसमें लगा देंगे। तो हमने स्क्रू लगा दिया, अब स्क्रू को हम पेचकस से कस लेते हैं। तो हमने ये बोर्ड लिया है, इनके हम चारों स्विच को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए अब वो दोनों वायर हम इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया, हमारा बोर्ड का काम हो चुका है। अब इसको हम स्क्रू से बंद कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए 220 वोल्ट बोर्ड लिया, इसमें हमारा 220 वोल्ट करंट आ रहा है। तो चलिए इसको ऑन करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चार्जर प्लेट ऑन हो चुका है, यानी कि हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो हम इसको इन्वर्टर से उल्टा ही उसको ही चार्ज कर रहे थे, देख सकते हैं हमारा वैसे भी वर्क कर रहा है, लेकिन चार्ज नहीं होगा जो आप सोचे कि चार्ज हो रहा है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा, हमने अपनी स्टूडियो की लाइट बंद कर दी, अब उन स्टूडियो की लाइट को इस बोर्ड से चलाकर देखते हैं। तो चलिए हम दोनों वायर को लाके इस बोर्ड पे लगाते हैं। तो हमने दोनों वायर को यहाँ पे 5 पिन सॉकेट पे लगा के और इस बटन को ऑन करते हैं। देख सकते हैं हमारी लाइट मस्त ग्लो हो रहा है। तो इसमें आप बड़ी बैटरी लगाकर आप लाइट अच्छे से चला सकते हैं, 10 LED तक चल सकती है इसमें, यानी कि 100 वोल्ट तक है ये। तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब